फसले है संगीन, मैं कभी ये है तीन खवतीन। लो जी अम्मा, हो गई सेटिंग। खबरदार खबरदार जो किसी ने भी नए इलाके में सेटिंग करने की कोशिश की तो। मनुष मारी फौजिया ने पुराने घर में अपने आशना के साथ सेटिंग की और निकल खड़ी हुई। हमारी तो इज्जत का फालूदा बना दिया उसने। क्या हो गया है, आराम से बोलो, आहिस्ता बोलो, वरना सबको पता चल जाएगा। अपनी जबान पे ताले लगा लो, ताले। अंधी है क्या? अम्मा मैंने अपने हाथों से खुद जाले साफ किए पूरे घर के। अगर किसी ने इस घर में मुझे एक भी जाला दिखा दिया ना, आज का खाना मैं बनाऊंगी। हाय अल्लाह, क्या क्या हो? नहीं अम्मा, कसम से मैंने सारे जाले खुद ही साफ किए, नहीं वैसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ अम्मा, कोई जिन देख लिया क्यों? अरे कमबख्त मारी, जब से तू मेरे यहाँ पैदा हुई है जिन भी मुझसे डरने लगे। चढ़ने लगे अम्मा, तो जाहिर सी बात है ना, जब सारे जाले साफ हो जाएंगे तो कीड़े मकोड़े तो दीवार पे ही चढ़ेंगे। जो चीज मैं देख रही हूँ क्या तुम लोग भी? मैं नहीं तो क्या हुआ आखिर? इस दीवार पे किस चीज की कमी है? अम्मा क्या हो गया? कोई नमी वमी नहीं है, पूरी खुश दीवार पड़ी है। मुझे लगता है अम्मा तुम सटिया गई हो, फौजिया का गम ले गया है तुम्हें। चुप कर जा, तेरी अम्मा गायब है। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? अब्बा कहाँ चले गए? अम्मा हाय अल्लाह, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई। अरे मेरी बेटी भाग गई, अब तुम्हारे अब्बा भी। ये कौन से डब्बे की बात हो रही है? अम्मा मैंने खुद डब्बे सारे खोले अपने हाथों से। अबे बैरी, अब्बा की तस्वीर गायब हो गई। हेलो तीन खवतीन, अरे एक दो तीन, ये है तीन खवतीन। शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले है संगीन। एक दो तीन, ये है तीन खवतीन, अरे एक दो तीन, ये है तीन खवतीन। यहाँ क्या कर रही है? अप्पा को ढूंढ रही हूँ। अप्पा को यहाँ ढूंढ रही है? हाँ, मुझे ना अभी अभी याद आया, जब आपके और अब्बा मरहूम की लड़ाई हुआ करती थी तो अक्सर वो आपसे बचने के लिए किचन में आके छुप जाया करते थे। तुझे किसने बताया? दादी ने। ठीक है, मुझे तो ये भी मालूम है कि अब्बा किचन में इसलिए आके छुपा करते थे क्योंकि आपको किचन में पाव रखते हुए मात पड़ती थी। माँ के लिए कैसी जबान इस्तेमाल कर रही है? कसम से अम्मा, मैंने तो दादी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्हीं का मनवान पेश किया है। अभी तुम मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है, वो भी इसी तरह भारी भारी अल्फाज बोलती थी। अम्मा क्या करें, खून का असर तो आ ही जाता है। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो आज गौर किया कि मेरी औलाद इतनी बेढंगी क्यों पैदा हुई है। तुम बिल्कुल अपनी दादी की फोटोकॉपी लग रही है। अम्मा मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं? कोई और वक्त होता ना तो तुझे अच्छी तरह फील करवाती। सब में तेरे अब्बा की तस्वीर की वजह से बड़ी परेशान हूँ। एक वही तो थे कि उनके सामने खड़े होकर अपना दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। अच्छा चलो छोड़े, मिल जाएंगे। आप बोले थे आपको अंडा बना दूं। ओ जादूगरनी, मुझे इंसानी बना रहने दे। अगर तुझे इतनी जादूगरी आती है ना तो अपने अब्बा की तस्वीर ढूंढ के बता। नहीं मिलेंगे। नूस कहीं की मुंह अच्छा नहीं है, बातें तो अच्छी कर लिया कर। नहीं मिलने की। एक अदद पुरवकार खुबरू उम्र 55 बरस इंतहाई शरीफ। अच्छा हुआ फौजिया भाग गई, जिसके साथ भी गई होगी
कम से कम सुकून से तो होगी ना। तुम दो मिनट सुकून से नहीं बैठ सकती हो? वैसे तो तुझे कुछ सुनाई नहीं देता और अब तूने सब कुछ सुन लिया। वैसे तू कर क्या रही है? तेरी शक्ल पे अंधेरा छाया हुआ है ये तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन तेरी आंखों पे भी अंधेरा है ये नहीं पता था। तू इतनी अंधी हो गई है तुझे नहीं पता कि मैं कुछ लिख रही हूँ? कोई फायदा नहीं, तेरे लव लेटर पढ़ेगा कौन? ओ हेलो, तुमसे किसने कहा मैं लव लेटर लिख रही हूँ? क्योंकि तुम इतनी नेक तो हो नहीं कि कोई अच्छी बात जाते तहरीर में ला सको। ओ बेहुदा औरत, जरा तमीज से बात करो, वो भी जबान संभाल के। बड़ी बहनों में और इस तरह के अजीब अजीब और घटिया अल्फाज तुमने बोले ना, और अम्मा ने सुन लिए तो तेरी जबान ना गुद्दी से खींच लेंगी। लो जी, गैर अखलाकी, गैर समाजी और गैर शरई हरकतें तुम करो और जबान खींची जाए मुझ जैसी मासूम बच्ची की। इधर दिखा, तेरा गला खराब है क्या? नहीं तो ऐसा क्यों पूछ रही है? इसलिए कि तू इतने सारे गैर को एक साथ खा के गरारे करके बोली है। अच्छा बस अपना काम कर, समझी ना, और मेरा दिमाग मत खाओ। पकाओ, मैं क्यों पकाऊं? मैंने क्या कहा था कि जब मैं शर्त हारूंगी तो फिर मैं खाना पकाऊंगी। अब मैं क्यों पकाऊं? तू मुझे दिखा दे एक भी जाला। अपनी जबान पे लगा ले ताला, तो यही तेरे लिए बेहतर होगा। तो निकल, दफा यहाँ से निकल। मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे साथ बैठने का। बहुत ही पागल हो गई है, दिमाग खराब नहीं तो। हो रही है, पहले मेरी बेटी भाग गई और फिर मेरे प्यारे शोर की तस्वीर गुम हो गई। ये करना मुझे रास नहीं आया। या अल्लाह, मैं अपनी सारी जिंदगी किसके सहारे जीऊंगी? अरे अम्मा, क्या हो गया तुम्हें? कुछ दिन की तो मेहमान हो, फिर तुम्हें कुछ दिन के बाद इंतकाल कर जाओगी और पहुंच जाए अब्बा के पास, ताकि तुझे सनी लेवल बनने का मौका मिल जाए, जो तेरे दिल में है करती फिरे, है ना? बस सारी पाबंदियां मुझ पर ही हैं और वो शादियां सरेआम इश्तियात खुतूत तहरीर कर रही है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह खैर करे, ये क्या कर रही तू? हाँ माँ, मैं ना आपकी कसम खा के कहती हूँ। मेरी कसम क्यों खा रही है? तुम्हारी भी तो औलाद है। अम्मा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और तुम जाके ना उसे रंगे हाथों पकड़ लो। क्यों? उसके हाथों में स्याही गिर गई जो उसके हाथ रंगे गए है? मुझे नहीं, मैं भी देखती हूँ। मेरा काम था बताना। ये क्या, ये तो किसकी तस्वीर उठा के लिए आई है? हाँ, ये तो हमेशा पूछती थी ना कि तेरा प्यो कौन है। देख, ये है तेरा प्यो। अब्बा है मेरा। औरतों का पीछा करते करते तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मौत क्यों नहीं आ गई? मौत क्यों नहीं आ गई? मौत आते आते रुक गई, रुक गई, रुक गई। आपको आपके एडिटर ने तो बता दिया होगा कि आपके घर में एक आला नस्ल का चंगेजी वकील आ चुका है। ये है तीन खवती।
सुनो जी, ये हो गया कंप्लीट। ये क्या हरकत है अम्मा? अगर ये हरकत कोई और करता ना तो गर्दन ना उसकी मैं उड़ा देती। मेरा भी ये ख्याल है। अब इस मलाल को छोड़ो, मुझे ये पेपर वापस कर दो। रुक रुक रुक, जरा मैं भी तो पढ़ू किस कम्बख मारे को ये आशकाना खत लिखे जा रहे। तो मैं पढ़ो ना। एक अदद पुरवकार खुबरू, उम्र 55 बरस, इंतहाई शरीफ और नफ और नेक सीरत की तलाश है। क्या गलत लिखा है इसमें? ये बागो बाहर शख्सियत यूं तो खुदा को प्यारी हो चुकी है, लेकिन इनकी एक अदद तस्वीर गुम हो चुकी है। तलाश करने वाले को मुबल्लिग 10,000 नकद इनाम में दिया जाएगा। आह मेरे प्यारे अब्बा जान, मिस यू। इश्तिहार दहंदा शाजिया एंड फैमिली। खैर अम्मा, अगर तुमने ये इश्तिहार पढ़ लिया है तो प्लीज मुझे दे दो। दो हाँ, नहीं तो इस घर में कोई तो किसी काम का है नहीं, मैं ही हूँ। देखना ये काम भी मैं ही करवाऊंगी, अब्बा की तस्वीर मिल जाएगी फिर। हाँ हाँ, दे दे तू ये इश्तिहार, हो सकता है तेरा ये टोटका काम आ जाए और वो तस्वीर मिल जाए। पता नहीं किस हाल में होगी। ये काली को तो मैं जाके पूछती हूँ क्या खबर दी थी इसने। अब्बा कहाँ चले गए यार? अब्बा तुम्हारे होने से रौनक तो होती थी वैसे जो बात है। अम्मी ये क्या, ये तो किसकी तस्वीर कहाँ के लिए आई है? हाँ ये तो हमेशा पूछती थी ना कि तेरा प्यो कौन है। देख ये है तेरा प्यो। अब्बा है मेरा। कहाँ होता है ये आजकल? और ये तस्वीर तुझे कहाँ से मिली? ओ ये तो नहीं पता कि ये कहाँ होते, पर ये तस्वीर ना एक बहुत बड़े बंगले के पास रखी हुई थी, मैं उठा के ले आई। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा अब्बा तो बड़ा अमीर आदमी है, उसके तो बंगले गाड़ियां कोठियां होंगी। अम्मा और तू क्यों खुश हो रही है? अरे अम्मा बात ही खुशी की है, हम तो बैठे बैठे अमीर हो गए ना, अब हमने सारी मुसीबतों को गुर्बत को बाय बाय कह देना है। लगता तेरा दिमाग घूम गया है। अम्मा छोड़ो सारी बातें, अब तो मुझे ये बता ये तस्वीर तुझे किस बंगले के पास से मिली है, ताकि हम भी उसी बंगले के पास जाएं। और ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, तेरे बाप के साथ ना मेरी दूसरी शादी थी, वो भी पहली बीवी से छुप के निकाह किया था उन्होंने। गुड गुड जी गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर वालिद गरामी हमें शराफत से हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो हम उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और बस कर जा, ब्रेक लगा। और लालू खेत की शबनम बन, फिल्मों वाली शबनम ना बन, खुद ही मसले खड़े कर रही है जिंदगी में, और जैसे अल्लाह ने लिख दिया ना बस वैसे ही जिंदगी गुजारो। नहीं अम्मा नहीं, कोई तो बात जरूर है, उस रब ने ये तस्वीर हम तक इसलिए पहुंचाई है ताकि हम भी अपनी शाहाना जिंदगी का आगाज कर सकें जिसके हम बरसों से मुंतजिर थे। इस वेले कौन है? कौन है अम्मा? देख क्या? ओ तू जाना, मैं भी थक के आई हूँ। अब्बा को देख रही थी मैं। ओ जाना, अब्बा को देखती रही, अब तो हमारे पास ही है तस्वीर। लेकिन अब्बा को ज्यादा बुढ़ा नहीं है? कौन है? हाय कौन है? इधर उधर क्या देख रही हो? मेरी पर्सनैलिटी ने झटका मार दिया क्या? ए अजनबी मखलूक, कौन है तू? क्या तू भी पीके की तरह ऊपर सोत रहा है? नहीं, मुझे हीरो कहते। कौन कहता है? जो जानते वो मुझे हीरो कहते। अरे मैं तो कहती हूँ तुझे जानता होगा ना, वो भी तुझे हीरो कहने की हिम्मत नहीं करता होगा। खैर कैसे आना हुआ? औरत के पीछे भाग कर आया। बेशर्म आदमी,
रिश्तों का पीछा करते करते तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मौत क्यों नहीं आ गई? मौत क्यों नहीं आ गई? मौत आते आते रुक गई। उस औरत के हाथ में अगर तस्वीर नहीं दिखता तो मुझे मौत आ जाती। सच सच बता मुझे, इस तस्वीर के साथ तेरा रिश्ता है क्या? रिश्ता छोड़ो, वो तस्वीर मेरी है, उस औरत को बाहर निकालो। कह दो कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये सच है, ये सच है। मैं तस्वीर लेकर जाऊंगा, चाहे खून खराबा क्यों ना हो जाए। खून तो तूने मेरे जज्बातों को कर दिया है। मैं नहीं मानती, मेरे वालिद ग्रामी इतनी घटिया और इतनी नीच हरकत कर ही नहीं सकते हैं। कौन सी घटिया हरकत? अरे तुझ जैसी औलाद को पैदा करने की हिम्मत। जी जी, आप इश्तिहार छाप दीजिए, पैसों की तो फिक्र ही ना करें। आप तो ऐसे बोलेंगे जिससे पहले मैंने आपसे इश्तिहार नहीं छपवाए। जी थोड़ा जोर से बोले, ये कैसे हो सकता है? है? यकीन नहीं आ रहा ना। क्या तस्कीन? और तस्कीन नहीं, यकीन, यकीन। वाकई यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, कोई इस तरह भी आ सकता है। आपको आपके एडिटर ने तो बता दिया होगा कि आपके घर में एक आला नस्ल का चंगेजी नाम का वकील आ चुका है। अच्छा तो ये कहना, वाकई हमें बिना अब्बा की तस्वीर ठोकने के लिए कील की जरूरत थी। शुक्र है आप लिया है, लाए दे। ओहो, इतना कुछ खा गई, इतनी मोटी हो गई, डेगे खा गई, रोटियां खा गई, चिकन खा गई, और अब वकील का वाव भी खा गई। वकील, वकील! ओहो, हमें किसकी तलाक करानी है जो आप यहाँ पे वकालत छोड़ने के लिए आ गए? अकेली लड़की की तलाक नहीं हो सकती, उसको पहले कहीं ना कहीं शादी करनी पड़ती है, और उस शादी के लिए लड़की, इन्होंने मुझे लड़की कहा, कितने शरीफ आदमी है, और मैं इनको बुलावा जो टॉम कह रही हूँ, देखो तो जरा कितना अच्छा लगता है। जबकि अगर आपकी अंदरूनी बकवास बंद हो गई हो तो क्या हम काम की बात कर ले? नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं 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 नहीं, आप काम के लिए आए हैं, काम के सिलसिले में। तो जाकर अम्मा से मिले ना, जाए। अम्मा, तुमसे कोई मिलने आया है? हैं, इस वक्त मिलने नहीं, अपनी चीज लेने आया हूँ। कौन सी चीज? ये तस्वीर। तो तुम तस्वीर के सिलसिले में यहाँ आए हो? असल में इत्तेफाक की बात है कि मैं एडिटर साहब के पास बैठा हुआ था ना, जब आपका इश्तहार वो कोरियर वाला उनके पास लेकर आया, मैं वहीं पे बैठा हुआ था। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारा अखबार से क्या ताल्लुक है, और दूसरा ये कि उस तस्वीर ताल्लुक है तो यहाँ तक आया हूँ। ये तस्वीर बड़ी मुश्किल से हासिल की है। वो कैसे? ये तस्वीर मेरे पुराने मोहल्लेदारों के घर में लगी हुई थी, उनके घर में मेरा आना जाना था, वो घर छोड़ के चले गए, ये तस्वीर वहीं भूल गए थे। अच्छा, अरे कितना सोना मुंडा है ना, तू उनको ये तस्वीर वापस करने गया था? अरे सदके जाऊं तेरे। जी ये तस्वीर तस्वीर नहीं, ये मेरी मोहब्बत की पूरी पिक्चर है। जी क्या बकवास है? देखिए मेरी बात आपको बकवास लग रही होगी, लेकिन जरा सोचे, कोई जाली तस्वीर लेकर आ जाता तो उसके खिलाफ मुकदमा करने के लिए आपको कोई आला नस्ल का चंगेजी टाइप का वकील तो चाहिए होगा ना, कि नहीं? वाह वाह वाह, क्या बात कह रहे अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। देखो ना, अब अब्बा की तस्वीर हमें मिल जाती है तो दीवार पे लगाने के लिए कील की तो जरूरत पड़ेगी। मुझे एक बात बताए, आप इसको कुछ खिलाती नहीं है? ये फूल के कुप्पा हो गई है, ये भैंस होती जा रही है, अभी फिर ये दूसरी दफा वकील का वाव खा गई। देखिए जरा सोचिए और ठंडे दिमाग से गौर कीजिए, मैंने आपके इश्तहार देने से एक माहिर तरीन वकील होने के नाते ये अंदाजा लगा लिया है कि कोई मामूली तस्वीर गुम नहीं हुई। क्यों माय डार्लिंग? नहीं मेरा मतलब है माय लॉर्ड। हम कोई बात नहीं, मैं भी तो बैठी थी। ओ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक ही है तो ये संजीदा के शौहर की तस्वीर, लेकिन 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 कुछ नहीं, बहुत टाइम जाया कर दिया तुम दोनों ने। ये तस्वीर दे, मैं जाऊं। ओ पैंपर पे बने हुए कार्टून, और तू वक्त हमारा जाया कर रहा है, कमबख्त
निकल तू यहाँ से, चल फुट, तू फुट तो, चल निकल निकल। अच्छा ही हुआ था कितना छोटा सा। अरे अब तू इस वकील चंगेजी को कानून सिखाएगा? एक नहीं दो हफ्ते थी क्या, एक जवान और दूसरी मसीह जवान। अरे वाह हीरा, तू तो औरतों का एक्से करके ले आया। और चुप कर जा, जरा सा सांस ले। जिस चोर की बात कर रही है ना, उसकी मैं भी शरई बेवा हूँ, जायज। हाँ जी, और मैं जी उनकी वन एंड ओनली बेटी हूँ, जायज वारिस और हकदार। लगता है तुम्हें कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। अबे ओए नीचे देख। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे चेहरे के तासुरात तेरे चेहरे पे साफ नजर आ रहे हैं। अच्छा, मगर तू मुझे ये बता कि तू है कौन जो मेरे साथ इतना फ्री हो रहा है? मैं इस घर का दामाद हूँ। अबे तू दामाद है इस घर का? लो मेरी बात सुन, मैंने खामखा इन औरतों को ना बुरा भला कह रहा था। मैं कह रहा था कि इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको ये होना चाहिए, इनको वो होना चाहिए। अबे तेरी जगल में तो इनको पहले ही सजा मिल चुकी है। वो ये लड़की को घर यहाँ खड़ा होना गैर कानूनी है। अरे अब तू इस वकील चंगेजी को कानून सिखाएगा? अगर मेरे पास टाइम होता। टाइम तेरे पास नहीं है, तू तो पहले ही टाइम से लेट आया है, वैसे भी अगले हफ्ते तूने मर जाना है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुझे कानून सिखाता। इससे मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ। हो निकल यहाँ से। अबे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं शोरबा नहीं पीता हूँ, मैं ब्रोस खाता हूँ। कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा पानी डाल, शोरबा बनेगा। ब्रोस फेंक और शोरबा पी ले। निकल यहाँ से। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें अम्मा, किसी बहाने से खुदा ने फरिश्ता भेजा था, कम से कम उसके मेहमान नवाजी तो करने दी होती। सुन लो, वकील भी कभी फरिश्ते हुए? क्यों नहीं हो सकते, क्या मेहमान रहमत के फरिश्ते नहीं होते? मेहमान के तो घर आने से घर में बरकत आती है ना? ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये कोई अच्छी हरकत थोड़ी थी, इश्तिहार लगाने के लिए मैंने उन्हें बोला तो वो वकील को उठा के भेज रहे हैं। मेरी बहन, काश तू वो समझ पाती जो मैं अम्मा को दबे लफ्जों समझाना चाह रही हूँ। खूब समझती हूँ मैं, इतनी फुहर जाहिल और गवाह नहीं हूँ जो तुम लोगों की बदनीयती को ना समझ सकूं। और इन निगोड़ मारियो तुम लोगों के मकर फरेब से खूब वाकिफ हूँ मैं। अरे अम्मा, मैंने क्या कह दिया? चुप बिलाओ जा, मुझे सुनाई जा रही है यही पट 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 बोली जा रही थी। शुक्र है मेरा लेक्चर जाया नहीं गया। मुझे लगता है कि वो ही वकील वापस आ गया, मैं देख कर आती हूँ। कोई ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। अम्मा बेचैन बेकरार कमबख्त। अम्मा तुझे तमीज है, माँ से बात कर रही है तू? ये मुझे पहचाना? वालेकुम सलाम। अबे झिंगर, हम तुझे कैसे भूल सकते हैं? ये हुई ना बात, सुपरस्टार हमेशा दिलो दिमाग में बसा रहता है। अबे ओ सुपरस्टार के बच्चे, तेरे अंदर ना सुतली बम लगा के आग लगाऊंगी, सुरसुराता फिरेगा, समझा ना? या क्या कर रहा है? मैं ना एक आपके लिए खास गिफ्ट लाया था देने के लिए। खास गिफ्ट? हाँ खास गिफ्ट, आपके अब्बा मरहूम की तस्वीर। मगर ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, पता नहीं किस कमाश औरत के हाथ मेरे नेक सीधे शौहर की तस्वीर लग गई। एक नहीं दो हफ्ते थी क्या, एक जवान और दूसरी मसीह जवान। अरे वाह हीरा, तू तो औरतों का एक्से करके ले आया। ये नहीं हुआ कि तू तस्वीर ही ले आता, आज तो तू 10,000 इनाम का हकदार होता। 10,000 देता कौन? ये देती और कौन? इसका मतलब है लड़की और रोकड़ा दोनों का नुकसान। ओ चूहे नुमा आदमी, बात सुन, इनाम तो तुझे अभी भी मिल सकता है।
नकद भी और डबल भी। वो कैसे? चल तो मुझे चोर औरतों का घर तो दिखा जिसने मेरे शौहर की तस्वीर चुरा कर अपने घर की जीनत बना के रखी। चलो चलो, कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मेरे मुअज्जज क्लाइंट जिनको सिर्फ मैं मुअज्जज कहता हूँ वो तस्वीर ला चुके हैं। पर आप फिर से यहाँ आ चुके हैं। मैं तो आपके लिए आया हूँ ना जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चश्मदीद गवाहों के बयानात और हालात वाकयात ये बयान करते हैं बल्कि इसकी तस्दीक करते हैं कि इस घर की मालिकन हसीना बेगम और उनकी होनहार बेटी शबनम है। रिश्वतखोर जहन्नमी, कौन से चश्मदीद गवाह, कैसे हालात और कैसे वाकयात? ये घर मेरे मरहूम शौहर के पैसों से बना हुआ है। और चुप कर जा, जरा सा साथ ले। जिस शौहर की बात कर रही है ना, उसकी मैं भी शरई बेवा हूँ, जायज। हाँ जी, और मैं जी उनकी वन एंड ओनली बेटी हूँ, जायज वारिस और हकदार। ओ बड़ी आई, जायज हकदार। और जैसे हमें तो अम्मा ने ना इंटरनेट से डाउनलोड किया था। हाँ, तू सही कह रही नाजिया। अबे ओ, तू इतनी टेंशन में आ गई है कि मेरा नाम नाजिया ले रही है, मैं छाती हूँ, तू ना। अच्छा ना, ठीक है, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। आप भी अपने दांत कंट्रोल में रखें। एक्सक्यूज मी, माफ किया। बात यह है, कानूनी फैसलों को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपके सामने एक इज्जतदार, बावकार और दुनिया के हसीन वकील ने यह फैसला किया है कि इन दोनों को जमा है और इनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। चुप चुप, अभी मेरी लाइन खत्म नहीं हुई। राइटर ने जरा इस दफा मेरे कैरेक्टर में लंबी लाइन लिख दी, मैं पूरी बोलूंगा। और वो लाइन ये है, पढ़े लिखे वकील की बातों को चैलेंज ना किया जाए, उसने जो फैसला कर दिया है वो सबको मानना पड़ेगा। ना तो तू वकील है और ना ही पढ़ा लिखा, ये तो लगता ही है लुटेरों का गैंग है जो हम माँ बेटियों के माल को हड़प करना चाहता है। खाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे से लड़ी ना, मैं बताऊं, जहां पे तू लड़ता है ना बंदे को दर्द बड़ी होती है। ओहो, मैं वकील हूँ, तुम लोगों का केस लड़ रहा हूँ, बेशक अपनी माँ से पूछ लो। माँ? कौन सी माँ, कैसी माँ, किसकी माँ? ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये आंटी है। वो तो ना उसको भी दौरे पड़ते हैं, इसका मतलब वो हमारी बहन है, क्योंकि हम में भी तो कोई ना कोई फॉल्ट है ना। ऐसे दौरे तो तुझे हर वक्त पड़ते रहते। इधर आ, अरे हल्के अरे हल्के, चुप। ये तस्वीर देख और मुझे बता के कौन है ये। हाय, ये देखो ये बिस्तरा कितना मजेदार है, किवें है लंडे है। वैसे अम्मी जी एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी इस चलाकी और शातिरबाजी की ना दाद देनी पड़ेगी भाई। वाह वालिदा माजिदा वाह। ए लड़की, ये वादे रहे कि इस घर पर कब्जा करने के लिए इस वकील चंगेजी वकील ने बड़ा साथ दिया है। ओए होए, हमने कौन सा इनकार किया? और जैसी नकद रकम हाथ में आएगी ना, सबसे पहले तेरे ही मुंह पे मारूंगी चपेड़ की तरह से। नहीं नहीं, चपेड़ की तरह ना मारी, बड़ी जोर से लगेगी। और हाँ, ये तुम किस कदर बदतमीजी से बात कर रही हो, मत भूलिए के। और तू भी मत भूल, इस दीवार के भी कान होते हैं। ओए होए, हमारा वो मंसूबा जो है ना, कामयाबी के मराहिल से गुजरता हुआ जा रहा है, और तू ना बोल बोल के ना सबको बता देगा। और जब ये माँ बेटियां इस घर से चली जाएंगी, तभी तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा, याद रखना। हाँ, और तुम भी याद रखना, ये पुल पुला ना जाना। क्या फरमा रहे हैं आप, हम आपको याद क्यों रखें? अरे आप होते कौन है जो हम आपको याद रखें? इतने फ्री किस बात पे हो रहे हैं आप? आंटी, कौन है ये आदमी? अच्छी खासी पंजाबी बोल दे, साथ ही उर्दू में क्रिकेट धम हो गई है ये। ओहो, मैं वकील हूँ, तुम लोगों का केस लड़ रहा हूँ, बेशक अपनी माँ से पूछ लो। माँ? कौन सी माँ, कैसी माँ, किसकी माँ? ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये आंटी है। ओहो, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है,
ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और बचपन से मसला है इसको, अचानक ही दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, उड़नछू हो जाती है इसकी याददाश्त बस। हैं? अचानक याददाश्त उड़नछू हो जाती है, क्या मतलब? ओहो, बचपन से दौरे पड़ते हैं, बताया तो है। ये साइंस से साबित होगा कि वो माँ बेटियां सच्ची है कि झूठी। अम्मा, तुम क्या न्यूटन से पूछोगी या जाबिर बिन हयान से? अरे वो क्या कहते हैं, जिसे वो खूनी रिश्ते साबित होते हैं, जो साइंस ने इजाद की है। हाँ, गाजर का जूस निकालने वाली मशीन। अच्छा, मुझे भी भुला दिया, क्या कहते? हाँ, याद आया, वो डीएनए टेस्ट। अम्मा, ये डीएनए वीएनए छोड़ो, पता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ना वो हमारी सौतेली अम्मा और सौतेली बहन है। अच्छा, तुझे भी उन्होंने रिश्वत खिला दी क्या? अरे नहीं अम्मा, मुझे वो लोग क्यों रिश्वत खिलाएंगे, वो तो ना उसको भी दौरे पड़ते हैं, इसका मतलब वो हमारी बहन है, क्योंकि हम में भी तो कोई ना कोई फॉल्ट है ना। ऐसे दौरे तो तुझे हर वक्त पड़ते रहते। अरे एक बात बता, तुझे तो कम सुनाई देता है, तूने ये बात कैसे सुन ली? अरे अम्मा, तुम तो जानती हो मैं अपने मतलब की बात कितनी साफ सुन लेती हूँ, और तो और ये तो खुदा की मेहरबानी थी कि मैंने अपने कानों से बिल्कुल साफ सुना है, और तो और अम्मा मैंने अपनी आंखों से खुद उसको दौरा पड़ते देखा भी है। उसे दौरे पड़ते ना तो फॉल्ट उसी में हुआ ना, तो बहन तो हमारी हुई ना। चुप कर जा चमची, ओ इधर आओ, इधर आ। अरे हल्के अरे हल्के, चुप। ये तस्वीर देख और मुझे बता कि कौन है ये। ये मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती ये बुड्ढा कौन है, ये बुड्ढा कहां से आया ये बुड्ढा। आंटी, मैं तो आपको भी नहीं जानती, कौन है आप? गौर से देख इस तस्वीर को और दोबारा बोल। अरे आंटी, मैं कह तो रही हूँ कि मैं इस बुड्ढे को नहीं जानती, क्या मैं लिख कर दूँ लिख कर दूँ लिख कर दूँ कि ना तो मैं सड़े हुए बुड्ढे को जानती हूँ और ना ही मैं आपको जानती हूँ। मैं नहीं जानती, नहीं जानती, मैं नहीं जानती। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो बन गई है, वक्त पे काम आएगी। और चल शाबाश, तेरा ड्रामा खत्म, निकल यहाँ से। ऐसे कैसे सब खत्म, वीडियो में जाली भी बनाई जा सकती है। ओहो, पर साबित कैसे करेंगे कि ये वीडियो जाली है? इसने ना इसने ला तालुकी का इजहार कर दिया प्रेपियो से। अरे क्यों नहीं बन सकती जाली वीडियो, हम कहेंगे कि गन पॉइंट के ऊपर ये वीडियो तैयार की गई है। और हाँ, निकाह नामा तो आपके पास मौजूद है ना, महफूज है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, निकाह नामा संभाल के रखा है, मैंने मुझे दिया था कि संभाल के रखना, तो वो महफूज पड़ा होगा। सोनिया रब्बा, तेरा चुकर मेरी बच्ची की याददाश्त लौट आई है। क्यों, मुझे क्या हुआ था, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई थी? नहीं नहीं, आपको एक दौरा पड़ गया था जरा सा, लेकिन खैर है, मैं संभाल लूंगा। ओहो, चुप करें आप, आप होते कौन है मुझे कहने वाले? मैं क्या मिट्टी खाती जो आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे संभाल लेंगे? अपने काम से काम रखा करें, समझे आप? लो, फिर पड़ गया दौरा। फिर फजूल बात कर रहे हैं आप, ये दौरा शौरा की बातें मेरे साथ ना करें, जितना आपको काम दिया गया ना उस मिशन को पूरा करें। और इतनी देर क्यों लगा रही है? अम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने खुद बनाई थी। ओ, बनाई भी थी या नहीं, या हमें बेवकूफ बनाया तूने? मुंह तोड़ दूंगी। कहीं पार्टी तो नहीं बदल ली? अबे वो टिड्डे पैर के नीचे मसल दूंगी, एक भी आवाज नहीं आएगी, समझा ना? चुप करके खड़ा रहे, बस बहुत परेशान हो रही हूँ। देख देख, करोड़ों की जायदाद का मसला है, अगर ये वीडियो नहीं मिली ना, मैं तुझे अपने हाथों से गोली मार दूंगी। अम्मा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो गन ही नहीं है, तुम गोली कैसे मारोगे? वो मैं ले आऊंगी। हाँ, वो जो गन आप ले आएंगी, जाहिर है इससे पहले भी लाई होंगी, और लाने के बाद आपने मेरी मोकला की कटपट्टी पे रखी होगी और अपनी मर्जी का बयान रिकॉर्ड करवा लिया। सुनो सौकन साहिबा, हाय हाय, मैं तो ना सिर्फ तुझे आजमा रही थी, लेकिन तू तो मेरे जाल में फंस के रह गई, अरे पानी पानी होके रह गई है तू तो। वो कैसे? वो ऐसे कि मुअज्जज अदालत ने ये फैसला किया है। मुअज्जज मैंने अपने आप को कहा है। मुअज्जज? आप तो मुअज्जज है ही नहीं। कोई बात नहीं, हूँ ना हूँ, लगता तो हूँ ना। हाँ, और मुअज्जज अदालत ने ये फैसला किया है कि जिस तरह
आप और आपकी औलाद का इस घर पे हक है, इसी तरह मेरी मुक्कला इन दोनों का भी इस घर पे ऐसे ही हक है। कैसे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है जी कि आज के बाद से हम भी इसी कार में सब मिलजुल कर रहेंगे जी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा ही होगा, क्योंकि कानून कानून होता है। तेरी कानून की तो मैं। क्यों ना हम इन दोनों माँ बेटियों को जहर दे दें? ये जो जहर देने वाला आइडिया है ना, ये तो बड़ा ही पुराना हो गया है। तूने वो नहीं सुना, ओल्ड इज गोल्ड? तो तू जाकर जिससे परोठे बना और मिला दे उसमें जहर। किस चीज का इश्तेहार? एक टारगेट किलर की जरूरत है। जरा एक घंटी बजा दो, शायद टीटी बेल नहीं गेम बजाता है। तुम लोगों ने जो पराठा बनाया था उसे खा के मरा है, जिसमें तुमने चूहे मारने वाला जहर मिलाया था। हमने पराठों में चूहे मार जहर नहीं बल्कि कुत्ते मार जहर मिलाया हुआ था।